देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN24। पूरे देश में JNU में हुई घटना के खिलाफ हर छात्र संगठन अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ NSUI कार्यकर्ताओं ने भी डिग्री कॉलेज में छात्रों के द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन अभियान चलाया गया। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में NSUI रायगढ़ द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन अभियान चलाया गया। JNU में हुए छात्रों पर अत्याचार के विरोध में यह सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। पूरे देश में JNU में हुए घटना के खिलाफ हर छात्र संगठन अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ NSUI ने भी डिग्री कॉलेज में छात्रों के द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। यह सिग्नेचर कैंपेन RSS, BJP और ABVP के खिलाफ चलाया गया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण JNU में देखने को मिला, जहां कॉलेज कैंपस में घुसकर पुलिस एवं अन्य आपराधिक तत्वों ने छात्रों के साथ मारपीट की। यह घटना काफी निंदनीय है, जिसका वो विरोध करते हैं, और इस विरोध प्रदर्शन में पूरे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी NSUI का समर्थन किया। वहीं छात्र छात्राओं का भी कहना था कि छात्रों पर बर्बरता और अत्याचार निंदनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो आगे छात्र सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कहना यही चाहूँगी कि जो भी अभी तक जो हुआ है JNU में, जो भी हिंसा हुई है, वो निंदनीय है किसी भी समाज के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए या कोई भी संगठन हो उसके लिए यह निंदनीय है, क्योंकि नवयुवक हैं, वही देश का भविष्य, और उन्हीं के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ये सभी जगह निंदनीय है। हाँ, यहाँ RSS और जो BJP के कारण स्टूडेंट के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट अगर उसको डराया धमकाया जाएगा या फिर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा तो वह अपना स्कूल जाने मतलब कंटिन्यूली नहीं जाएगा और अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो हमारा भारत देश या अन्य देश कोई भी है वो युवा के कारण ही प्रगति कर रहा है। यदि युवा को डराया धमकाया जाएगा तो वह अपना कार्य को अच्छे तरीके से कैसे करेगा। अतः हमें इस मतलब कि जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विरुद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिए, जो कि चलाया जा रहा है, और मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई संगठित रूप से रहते हैं और उनमें जाति भेद और दुनिया भर का मतलब कि जाति भेद ऐसी तुम अलग धर्म के हो, तुम्हारा मतलब कि तुम नीचे वर्ग के हो, ऐसे करके उनको नीचा दिखाया जाना गलत बात है, क्योंकि हर कोई एक इंसान है और इंसान का इंसान के साथ ही संबंध है, उनको जाति भेद के नाम से अलग नहीं किया जा सकता और यह करना कानूनी अपराध है। देखिए, हिंदुस्तान के हर कॉलेज के बाहर, हर यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? एक राजनीतिक दल है जिसका देश पे राज है, वो ये कह रहा है या तो हमारी वहाँ पे हाँ मिलाओ, हमारी बात को मानो, हमारी विचारधारा को मानो, नहीं तो हम आपको आपके घर में घुस के, आपके कॉलेज में घुस के, आपके यूनिवर्सिटी में घुस के मारेंगे। उस राजनीतिक दल का नाम है RSS, BJP और ABVP। कुछ दिन पहले आपको पता है कि JNU में घुसकर किस तरह महिला प्रेसिडेंट को मारा गया, सर में चोट आई, कैसे कॉलेज में तोड़फोड़ की गई। जो हिंदुस्तान के उदाहरण देते हैं, जिसके देश में JNU जैसे यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है। स्टूडेंट वहाँ से हॉस्टल छोड़ छोड़ के, कॉलेज छोड़ छोड़ के जा रहा है। तो इसी के विरोध में आज रायगढ़ जिले के जो सबसे प्रमुख महाविद्यालय है डिग्री कॉलेज में NSUI इकट्ठा हुई है। प्रदेश में NSUI कार्यक्रम चला रही है, छात्रों के कई हस्ताक्षर अभियान। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ हम आपके साथ हैं। आप हमारे बैनर को देख सकते हैं, हम आपके साथ हैं, जिसमें छात्र हमारा समर्थन कर रहे हैं हमारी बात को, क्योंकि छात्रों को पता है कि किस प्रकार की घटना देश में हो रही है, रोष व्याप्त है। चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे बॉलीवुड के लोग हों, सारे लोग खुल के सामने आ रहे हैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं कॉलेज में पढ़ने आते हैं, अगर वो अपनी बात को ना रख सकें और ना बोल सकें और उनके साथ मारपीट की जाए, नकाब, आप लोगों ने भी मीडिया के लोग देखे हैं कि किस तरह से नकाब पहन कर लाठी डंडे लेकर ये लोग मारपीट कर रहे हैं। JNU में जैसे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद स्थिति है, 70 डेज से ऊपर हो गया बच्चे के, काफ़ी वहाँ पर एक स्ट्राइक में है। दीपिका पादुकोण ने जाकर के अपनी छिपा की मूवी का जो भी कमाई है उसको बच्चों का फीस देने के लिए मतलब घोषणा किया है कि बच्चों का फीस जो बढ़ा हुआ है उसको लेकर के, क्या कुछ लगता है ये राजनीतिक मतलब बात है या फिर क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, दीपिका पादुकोण वाली बात है तो दीपिका पादुकोण वुमेन शक्ति की, महिला शक्ति का एक उदाहरण बनकर पेश हुई है।
कि इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ उनको उनका कॉन्शियस कहा, उनका जमीर कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुझे बोलना चाहिए छात्र, क्योंकि वो भी एक छात्र रही होंगी, उनके साथ मारपीट हो रहा है तो सामने आई। तथाकथित बीजेपी के समर्थक इस बात से बौखला गए हैं और उनकी पिक्चर की बाइकआउट देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये एक ऐसा विषय है महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंकने, क्योंकि हर लड़की हर महिला, माननीय भूपेश बघेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसी सामाजिक मूवी को उन्होंने टैक्स फ्री किया। जेएनयू की आप बात करें, जिस प्रकार का वातावरण आज जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में, कहीं भी निर्मित हो रहा है, क्या मैं और आप अपने घर के भाई बहन को या किसी रिश्तेदार को वहाँ पढ़ने भेजेंगे अगर ऐसा निर्मित होगा? जेएनयू जिसका उदाहरण गरीब, जो हमारे देश में एक एग्जाम्पल है स्वतंत्रता के लिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबों के लिए वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, क्या कोई वहाँ पर पढ़ने जाएगा? जिस प्रकार का वहाँ पर माहौल निर्मित किया जा रहा है, अपनी एक विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है। मिलाकर की बात कहें तो आज ऐसे बीजेपी और एबीवीपी की ओर से गुंडागर्दी जी, हिंदुस्तान सब लोगों से मिल के बना है, यहाँ पर अनेकों धर्म है, अनेक जाति भाषा है, सब लोगों से मिल के बना हुआ है। कोई भी एक राजनीतिक दल या एक विचारधारा इस बात को नहीं बोल सकता कि आपको हमारी राजनीतिक विचारधारा माननी पड़ेगी या इसके खिलाफ, या आप इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको रहने नहीं देंगे, हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपकी गुंडागर्दी चलेगी। सिर्फ और सिर्फ विचारधारा को थोपने की लड़ाई है, और बीजेपी और एबीवीपी तो मुखौटा है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है, वो चाह रही है कि कैसे करके हिंदुस्तान खाली बीजेपी और आरएसएस के विचार को धारा को माने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो, अगर जिसके खिलाफ छात्र बोला है तो उसका सिंहासन डोला है। मोदी जी की गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि छात्र की जो ताकत है वो आज मोदी जी के खिलाफ है।